नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर हरियाणा की खास खबरों पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव 90 सीटों पर हो रही जबरदस्त वोटिंग, पोलिंग बूथ पर वोटर्स का लगातार था। खट्टर ने करनाल में अपने बूथ पर सबसे पहले वोट डाला। विज बोले, अगर पार्टी मुझे चाहेगी तो अगली मुलाकात आपसे मुख्यमंत्री आवास पर होगी। हुड्डा ने कहा, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया मतदान। सैलजा को दिया खुला ऑफर, बोले जब चाहे भाजपा में आ सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार नायाब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। कहा, हरियाणा का मूड साफ दिख रहा है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बन रही है। रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला ने वोट डाला। कहा, लोगों ने मन बना रखा है, एक नंबर पार्टी कांग्रेस बनने जा रही है। भाजपा सांसद नवीन जिंदल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के लोग भाजपा को अपना आशीर्वाद देंगे। तोशाम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार श्रुति चौधरी और भाजपा सांसद किरण चौधरी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। कहा, आज हरियाणा की किस्मत बदलेगी, आज एक तरफा मुकाबला है। पहलवान और जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने वोट डाला। कहा, हम 5 साल दिन रात मेहनत करके अपने दायित्व को निभाएंगे। जींद विधानसभा से आप प्रत्याशी वजीर डांडा ने किया मतदान। लोगों से की खास अपील। ओलंपिक पदक विजेता और भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। युवाओं से की जिम्मेदारी निभाने की अपील। भाजपा नेता और पूर्व पहलवान बबीता फोगाट ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से जाकर के हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।